कैसी होगी अल्लाह ही जानता है। परेशानी है, कई लोगों ने उनकी गलती बताना है, वो उनकी गलती बताना है। हम जाएं तो उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, हमें कोई रास्ता दिखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। हमें सिर्फ इमाम और मुसल्ला और मेम्बर के अलावा कहाँ जानते हैं हम लोग। हम ऐसे सोचे थे कि हम सर को पेड़ की भीख मांगे। हाँ, अल्लाह ने हमें ये मकाम नहीं दिया था, लेकिन अब कहें उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, वहाँ जाओ। इन मस्जिदों से किराया वसूल वक्फ करता है, तमाम आमदनी करता है, पर्ची पलटती है, जो भी दुकान पर बेची जाती है उसकी पर्ची पलटी जाती है, उससे भी आमदनी होती है। तो पता नहीं कहाँ होगा, जो दर्द छुपा हुआ है उसकी क्या छुपे हुए दर्द क्या जाने। हम तो दर्द जब जाने, हमारी ज़रूरतें पूरी हो, हमारा काम पूरा हो, हम जाने वाकई हमारे मुखलिस थे, हमारे हमदर्द हैं, इसलिए हमारी जरूरत पर काम आए। हाँ, आज पता ही नहीं, वो उनकी गलती बताना है, वो उनकी गलती बताना है। हम जाएँ तो उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, हमें कोई रास्ता दिखा ही नहीं, कभी देखा ही। हमें सिर्फ इमाम और मुसल्ला और मेम्बर के अलावा कहाँ जानते हैं हम लोग। हम ऐसे सोचे थे कि हम सर को पेड़ की भीख मांगे। हाँ, अल्लाह ने हमें ये मकाम नहीं दिया था, लेकिन अब कहें उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, वहाँ जाओ। ये हमारा काम नहीं जाने का, इसलिए हम सबसे कहेंगे, जब से हमारे चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब आए हैं, इससे पहले कभी तकलीफ नहीं हुई कि आधे 11 महीने तनख्वाह कभी नहीं रुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इसके अलावा कोई तनख्वाह। हमारे बराजे साहब आए थे और हमारे ये वकील साहब आए थे, चौधरी साहब आए थे, और जो जो हमारे वक्फ बोर्ड की जिम्मेदार है, कभी इतनी तकलीफें नहीं हुई जितनी अब हो रही हैं। इसलिए इसका हल हम हमारे वकील साहब भी तशरीफ लाए हैं, इनसे भी यही सवाल करूँगा। और जो हमारे जो जिम्मेदारान हैं, दिल्ली के जो अंदर अभी मैं गया था, SHO साहब आए थे, हमें लेकर गए थे और उनसे बात कराई वक्फ बोर्ड के अफसरान से। तो उनका ये कहना था कि भाई इस मामले को हम कुछ हल कर नहीं सकते, आप चेयरमैन साहब से रब्ता करें, चेयरमैन साहब यहाँ नहीं है, तो चेयरमैन साहब के घर जाएं, जो आपके मामले को हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस मामले को हल करने के लायक नहीं, हल कर पाएंगे। तो SHO साहब ने कहा कि ये लोग कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर, इनका मामला तो हल होना चाहिए। तो उन्होंने हम लोगों से कहा, SHO साहब ने कहा यहाँ बैठ कर क्या करेंगे, ये कि यहाँ आप ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, तो अब आगे कहीं जाइए, कोई आगे का रास्ता इख्तियार कीजिए, जब यहाँ हल नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जितनी मसाजिद हैं, वो अइमा हजरत उसी वक्फ होगी, वक्फ के ज़ेर निगरानी है, वक्फ की जिम्मेदारी इन इमामों को तनख्वाह दे हर महीने। इन मस्जिदों से किराया वसूल वक्फ बोर्ड करता है, तमाम आमदनी करता है, पर्ची पलटती है, जो भी दुकान पर बेची जाती है उसकी पर्ची पलटी जाती है, उससे भी आमदनी होती है। तो इन तकरीबन 200 इमाम हैं, 70 मौजिन हैं, 270 के करीब हैं, जो कई सालों से ये इमाम हजरत वक्फ की मस्जिद में, इनको हर महीना तनख्वाह मिलती थी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो आई है, इनके जेर निगरानी जो बोर्ड बना है, जितने मेम्बरान हैं, ये सब आपसी ताल्लुक तालमेल न होने की वजह से वक्फ बोर्ड की 1.5 साल से मीटिंग नहीं हो रही। अब आपसे ये कह दिया गया है कि आप अमानत के घर जाइए। हाँ, उन्होंने कहा कि अमानत के घर जाइए। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि जो ये SHO साहब ने कहा कि अमानत साहब से मिलिए, यहाँ पर तो ये लोग आने नहीं कि आपको सही जवाब दे पाएंगे, तो चेयरमैन साहब जिम्मेदार हैं, तो उनसे मिलिए जा करके, उनसे कहिए अपना, यहाँ चेयरमैन साहब आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम उन्होंने ये जवाब दिया है। उन्होंने SHO साहब ने कहा कि ऐसे आप परमिशन लेकर बैठ सकते हैं, बगैर परमिशन के नहीं बैठ सकते आप, यानी ऑफिस के बाहर इस तरह खड़े बैठे हैं, परमिशन लीजिए तब बैठिएगा, एहतजाज करना होता है। नहीं, हम लोग अभी मशवरा राय मशवरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पुरसकून बैठे हुए हैं तो हम आपको हटाएंगे भी नहीं, नहीं, लेकिन आप अपना मामला आगे लेकर जाइए, अपने हल कीजिए, आगे भी ले जाएंगे। हम इमाम लोग हैं और मुसलमानों के रहबर और रहनुमा हैं, लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी भी, जो ये वक्फ बोर्ड है, इमामों की जिम्मेदारी जो आती है इनके ऊपर आती है, ये जिम्मेदार हैं। तो अगर एक जिम्मेदार अपने आप इस तरह से खामोश है करके बैठ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। जो है अभी कई महीने पहले मेरी एक मुलाकात हुई थी, कई महीने पहले जब हमारी यहाँ मुलाकात हुई चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा अगर वहां से ग्रांट नहीं मिल रही है तो यहाँ से जो वक्फ बोर्ड में पैसा जमा हुआ है किराए का या इसकी जो आमद हुई है, आप उसमें से पैसा निकाल करके जो इमामों को कुछ महीने की तो तनख्वाह दे दीजिए। तो इन्होंने जी इन्होंने ये कहा था कि मेरे अकेले के दस्तखत से काम नहीं चलेगा। और दूसरे मेंबर, मैंने कहा जी वो हिमाल अख्तर हैं, कहने लगा भाई वो दस्तखत नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे, कि पता नहीं क्या डर है। तो फिर उन्होंने ये बताया था कि दूसरे किसी मेंबर के दस्तखत हो जाए तो यहाँ से पैसा निकल जाएगा। तो वो रजिया सुल्ताना ने उसके लिए दस्तखत कर दिए हैं और इन्होंने पैसे भी निकाल लिए हैं।
तो वो पैसे जो है कुछ फतेहपुरी वाले को दे दिए हैं, कुछ यहाँ इनके जो मुलाजिम है उनको दे दिए हैं। इमाम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं उसी हालत में। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो अगर उन्होंने आपको 3 महीने या 4 महीने पहले जो है वो तनख्वाह उनको दे दी थी जो निकाल करके वहाँ से पैसे निकाले थे वक्फ बोर्ड के, क्या अब वक्फ बोर्ड में जो है 10-20-30 लाख रुपया अब तो जमा हुए होंगे, क्या वो भी तनख्वाह जो है इमामों को नहीं दे सकते 2 महीने की 4 महीने की? उसमें से तो दे देना चाहिए। चलो ग्रांट मिल रही है नहीं मिल रही है उसको छोड़ दीजिए आप। तो वक्फ बोर्ड का जो खर्चा है, जो इन इमामों का खर्चा है जो तकरीबन 300 के लगभग है, तो वो तो वक्फ बोर्ड के ही उसमें है। ये ग्रांट के ऊपर क्यों इसमें इतना वो करो, जो पहले भी ऐसे मिलती रही यहाँ से तनख्वाह जो, तो अब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जो खाने का इंतजाम है, पीने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है, और अपनी जिंदगी को दाव के तरह करके उस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। मेरे मतलब ईमान ही नहीं है, पूरी मस्जिद की रखवाली कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो औकाफ की इतनी इजाजतें हैं, इन इमामों की मेहनत है, इनकी कुर्बानियाँ हैं। अगर ये इमाम नहीं रहेंगे तो याद रखिए औकाफ की जायदाद बर्बाद हो जाएगी। तहफ़ करने वाला कोई नहीं रहेगा, ये वक्फ बोर्ड भी नहीं रहेगा। वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इसका जिम्मेदार है कि 14 महीने हो चुके सर मुहैया कुछ नहीं, इमाम को तनख्वाह नहीं मिली। ये तनख्वाह का मुतालबा करना इमामों का हक नहीं है बल्कि दिल्ली वालों का हक है। दिल्ली के जो इनके पीछे नमाज पढ़े उनका हक है, इनका काम तो नमाज पढ़ना है। अरे मुतरम साहब, की बर्बादी का असबाब इख्तियार करने वाला कौन है? ये आम आदमी पार्टी का सीएम है, क्या दीवान के मातहत महकमे रिन्यूअल चल रहा है और उनकी लापरवाही की वजह से औकाफुर्द हो रहा है, दुकानें बर्बाद हो रही हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, मसाजिद को तोड़े जा रहे हैं, और चल इतनी निकम्मी है, खामोश समाधान बनी हुई है।